इंतजार इस बात का है कि राजस्थान में अगला कदम क्या उठाया जाएगा। अब जो भी हो, लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं और वो सब कांग्रेस पार्टी और आलाकमान के बारे में, यानी कि गांधी परिवार के बारे में। क्या क्या गलतियां की कांग्रेस पार्टी ने? सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि वो ये नहीं समझ पाए कि अशोक गहलोत कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो अपना नेतागिरी अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बार वो जो ये नहीं समझ पाए कि अशोक गहलोत कभी भी अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहेंगे, और वो ये बात भी नहीं समझ पाए कि इतनी आसानी से अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, आप सीक्वेंस का इवेंट्स अगर आप समझे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहां पे चूक हुई। सबसे पहली बात यह है कि अध्यक्ष जो भी कहता है वो सर्वोपरि होता है, यानी कि अध्यक्ष का मत ही माना जाता है और उसी पे प्रोसीजर आगे जाता है ना। अगर अशोक गहलोत बन जाते थे अध्यक्ष और 19 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला था, उसके बाद सबसे बड़ा फैसला उनको ये करना होता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। अब बतौर अध्यक्ष वो ये फैसला कभी नहीं लेंगे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अगर बतौर अध्यक्ष वो ये फैसला लेते हैं कि पायलट नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, तो इस फैसले को कोई भी ओवररूल नहीं कर सकता क्योंकि वो अध्यक्ष है। इसीलिए सोनिया गांधी और उनके जो कोटरी है, जो उनके करीबी है, उनका स्ट्रैटेजी सीधा साधा था। ये था कि जब तक सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है तब तक ये फैसला हो जाना चाहिए कि अध्यक्ष कौन रहेगा और दूसरी बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का। इसीलिए वो चाहते थे कि नामांकन पत्र अशोक गहलोत भरे और उसके पहले वो अपना इस्तीफा दे और फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसलिए वो काफी खुश इस बात से थे कि सीएलपी की बैठक अशोक गहलोत ने बुलाई। उनको लगने लगा कि सीएलपी की बैठक बुलाने का मतलब सीधा साधा यही हुआ कि एक लाइन का रेजोल्यूशन पारित किया जाएगा, उसमें ये कहा जाएगा कि अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी और गांधी परिवार का फैसला यही होगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अशोक गहलोत केंद्र में आएंगे और यहाँ पे वो अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये सबसे बड़ी गलती गांधी परिवार की और उनके सलाहकारों की थी कि वो ये बात नहीं समझ पाए कि अशोक गहलोत भी कुछ ना कुछ चाल चल रहे हैं और वो कोशिश में लगे रहेंगे कि उनके समर्थक जो विधायक हैं, और वो ज़्यादातर उन्हीं के हैं, वो एक प्लान या रणनीति बना रहे हैं और उसके चलते ये तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर हम आगे की बात करें कि अब क्या सबक मिलता है, सबक यही मिलता है कि गांधी परिवार को राजनीति समझना अभी बहुत टाइम लगेगा। उनको ये बात भी समझना पड़ेगा कि जो पुराने वफादार, जिनको वो मानते हैं नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हों पहले या गुलाम नबी आज़ाद, अभी अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ, वो काफ़ी मच्योर्ड हैं और वो राजनीति समझते भी हैं और इसका फ़ायदा वो बार बार उठाते हैं। दूसरी बात, गांधी परिवार इस वक्त बहुत ही कमज़ोर है क्योंकि आपको जैसे पता है कांग्रेस चुनाव जीत भी नहीं रही है, और अगर चुनाव नहीं जीतती है तो इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस तो कमज़ोर पड़ती है, साथ साथ गांधी परिवार का ग्रिप भी कमज़ोर पड़ जाता है, और ऐसे में किसी को डर नहीं लगता। इस बात का उनको डर नहीं है कि गांधी परिवार हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, गांधी परिवार से भी बड़ा। चाहे वो कुछ भी कहें कि हम वही करेंगे जो गांधी परिवार हमें कहता है या सोनिया गांधी कहती है, लेकिन बात सच में यही है कि अंत में वो वही करते हैं जो उनका मन कहता है। और ये सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी में है। क्या सीख लेगी सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ये लेटेस्ट इंसल्ट के बाद समझ पाएंगे कि अभी उनको बहुत दूर जाना है और राजनीति को समझने में बहुत टाइम उनको लगेगा।